रत्नाकर के चित्रों को लेकर बड़ी चर्चा रहती है कि गाँव की जो ज़िंदगी है, गाँव में जो आस्था है, गाँव का जो रंग है, वो किस तरह से उन्होंने अपने चित्रों में सहेजा है। गाँव की स्त्रियाँ, गाँव के जानवर, जानवरों में उनके साथ लोग, स्त्रियाँ, लड़कियाँ, औरतें, उनका चिंतन, उनके काम धाम करने के तरीके, उनके विश्राम, उनका उनके बीच चर्चा, पंचायत, बहुएं और स्त्रियों के बीच रंगरेलियाँ, लोगों का उत्साहित होना, चिंतित होना, महिलाओं का आपस में बैठ के बात करना, सजना संवरना और मुलाकात करना, मुलाकात में रिश्तेदारों का आना, भैंसों के बीच, जानवरों के बीच, फिर बेटियां, बेटियों को लेकर के आम आदमी की चिंता, बैलगाड़ियां और जीवन के बदलते हुए रंग, आपस में चर्चा परिचर्चा, ये हमारे किसान की खुशहाली और गांव में लोक गीतकार, यातायात के साधन, स्त्रियों की अपनी चिंता, विश्राम, काम के साथ आराम, अंतिम भोजन, काम पर जाती हुई महिलाएं और आपस में उनकी चर्चा, काम करते हुए कारीगर, मेहनत के औरतों की चिंता, आपस में चर्चा, ये सारे चित्र हैं रत्नाकर की प्रतीक्षा में, और आकांक्षा, उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, चिंतन, दुल्हनों का आपस में इकट्ठा होना, मुसलमानों हिंदुओं में भाईचारा, आपस की चर्चा, नौजवानों के बीच परिचर्चा, पनघट पनिहारिने, चिंतन चर्चा, पंचायत और आपस में लोगों के बीच की चर्चा, घसीहारिने, ये चित्र हैं रत्नाकर के। और इनमें गाँव के लोग और उनमें आपस में द्वंद, पनिहारिने, सुखी जिंदगी और आपस में स्त्रियों की चिंताएं, किसी का किसी को समझाना, दो बेटियां, बहनें, आश्चर्यचकित हो जाना, पनघट पे इंतज़ार करना, पनिहारिनों का निकलना, महिलाओं का आपस में चर्चा करना, चिंतन करना और पनिहारिनों का आपस में बतियाना, फिर इनका चिंतन होना, ये इकट्ठा हुई महिलाएं किसी उत्सव पर, किसी पर्व पर, अधेड़ उम्र की औरतों का मिलन, पशुओं का जमघट, इन महिलाओं की उपस्थिति और इनकी आपस में चर्चा, फिर उनका चिंतन, फिर चिंतन, फिर चर्चा परिचर्चा, रिपीट हो रहा है, धार्मिक स्थल, धार्मिक परिदृश्य और प्राकृतिक वातावरण, ये सारे काम थे रत्नाकर के। और